Hi, I'm Vijay Shekhar Sharma. I'm founder CEO of Paytm, and I'm proud participant of India's payment revolution that we are seeing these days. In fact, RBI has come out with Har Payment Digital, यानी कि हर भुगतान अब डिजिटल तरीके से होगा, यानी मोबाइल से होगा या कार्ड से होगा। मुझे लगता है कि ये देश के पेमेंट, देश की इकोनॉमी, देश के फाइनेंशियल सर्विसेज की ग्रोथ के लिए एक इनक्रेडिबल मूवमेंट है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए डेडलाइन को बढ़ा दिया है और इससे पेटीएम के बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने इस बारे में क्या कहा है और उन्होंने अपने ग्राहकों को कैसे आश्वस्त किया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे और उन्होंने इसे नए जमा लेने, क्रेडिट लेन देन करने और फंड ट्रांसफर करने से रोक दिया था। ये प्रतिबंध 29 फरवरी 2024 तक लगा था, लेकिन अब आरबीआई ने इसे डेडलाइन को 15 मार्च 2024 बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक अब अपने खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स आदि में जमा या क्रेडिट लेन देन या टॉपअप कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेटीएम का बिजनेस बंद हो गया है। आपको बता दें कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह साफ कर दिया है कि पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन जैसे उनके डिजिटल पेमेंट्स प्रोडक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो 15 मार्च के बाद भी काम करते रहेंगे। उन्होंने अपने ग्राहकों को डिजिटल इंडिया का चैंपियन बने रहने को कहा है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने को कहा है। लेकिन उनके इस बयान के बाद भी कुछ सवाल अनसुलझे हैं, जैसे आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध क्यों लगाए, पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों को क्या करना चाहिए, पेटीएम के अन्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का क्या होगा और सबसे अहम सवाल कि अब पेटीएम का भविष्य कैसा होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ में। आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाने का सबसे बड़ा कारण तो पेटीएम पेमेंट बैंक का आरबीआई के नियमों का पालन ना करना ही है। लेकिन आरबीआई ने एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। इन रिपोर्टों में ये पाया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों की जानकारी को सुरक्षित रखने में असफल रहा है और उनके खातों को अन्य बैंकों के साथ लिंक करने में भी देरी की है। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने बोर्ड के सदस्यों का चयन और नियुक्ति के लिए आरबीआई की मंजूरी नहीं ली है। आरबीआई ने इन गलतियों को गंभीर रूप से लिया है और इसीलिए इसे नए ग्राहकों को जोड़ने, जमा लेने, क्रेडिट देने और फंड ट्रांसफर करने से रोक दिया है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल कि अब पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहकों का क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं या उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने खातों में से पैसे नहीं डाल सकते हैं। नए पैसे डालने पे आपको मुश्किल हो सकती है। साथ ही आप अपने खातों से किसी को पैसे भेजने या लेने के लिए यूपीआई, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स या अन्य किसी भी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ना ही आप अपने खाते में सरकारी सब्सिडी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पा सकेंगे। इसके लिए आपको अपने खातों को किसी अन्य बैंक के साथ लिंक करना ज़रूरी होगा ताकि आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकें, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उनका उपयोग कर सकें। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपका पेमेंट वॉलेट, पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स और पेटीएम कार्ड मशीन आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते से अलग करनी है। आप इन प्रोडक्ट्स को अपने अन्य बैंक के खातों से लिंक कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेटीएम के अन्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का क्या होगा। तो आपको बता दें कि पेटीएम के अन्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जैसे पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी, पेटीएम इंश्योरेंस, पेटीएम फर्स्ट गेम्स आदि पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ये सभी पेटीएम पेमेंट बैंक से
अलग अलग कंपनियों के अंतर्गत आते हैं और उनका अपना अलग अलग बिजनेस मॉडल है। आप इन सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। अब बताते हैं कि पेटीएम का आगे भविष्य कैसा होगा। पेटीएम का भविष्य कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा है कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करेंगे और अपने ग्राहकों को बेहतरीन सर्विसेज देते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में नवाचार और समावेश को बढ़ावा देते रहेंगे और पेटीएम करो को इसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि बनाएंगे। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि आरबीआई और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच चल रहा विवाद क्या है, जिसमें आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है। हमने आपको बताया कि इससे पेटीएम के बिजनेस और ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। हमने आपको ये भी बताया है कि पेटीएम के अन्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का क्या होगा और पेटीएम का भविष्य कैसा होगा। तो ये थी हमारी आज की विशेष वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।